नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। मुरादाबाद जिले के नियामतपुर गांव में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग नाबालिग युवती को उठाकर ले गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन अभी तक छात्रा का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। गेहूँ काट रहे थे, वहाँ से पता चला, हम आए, पता चला कुछ लोग बच्चों ने बताया कि वो ऐसे ऐसा ले गया। हमने देखा वाली करी, लेकिन वो हमें कोई पता नहीं चला उसका। फिर क्या वो उसके परिवार वालों से मिले आप? परिवार वालों से भी वो लोग आए हमारे पास, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा सुना, उन्होंने कुछ नहीं बोले, ऐसा वैसा कहीं हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं करा उन्होंने। फिर हमने जो शाम को FIR कराई, हमारी कोई सुनवाई ना हुई। हम जो है ऐसे करते रहे, बोले साली ये FIR कराने गए हमारे नाम से, तो हम इसे ज़्यादा मार के जाएंगे। हम 2 तारीख में दवाई ले जा रहे थे उधर से सजानपुर से, ये 4 लोग थे साहब, हमें जो है धर पीटा। क्या क्या कितने चोट लगी आपको? लड़के का तो कोई चोट खुली नहीं है, बाकी उन्होंने मरा ही जाने का छोड़ा। मेरा हाथ टूट गया। हाथ तोड़ दिया? हाँ जी। यानी लड़के पक्ष ने? हाँ, लड़के पक्ष ने। फिर पुलिस ने आपसे शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई? आज तक साहब कुछ ना हुआ, रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन वही हमको CO के यहाँ भी गए, 2 बार CO के पास भी घूमे आए, कप्तान के पास भी घूमे आए, और DIG के पास भी घूमे आए, और जो देहात SSB है उसके पास भी कल गए, लेकिन आज तक SPCT, लेकिन आज तक हमने कोर्ट में भी डाला, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या दूसरा पक्ष ज़्यादा दबंग है क्या? हाँ, ऐसे ही है, लोग बताते हैं कि मार तोड़ ये कही गई साहब, उसमें मार तोड़ का ये मतलब ये जो लोग दवाई लेकर आ रहे हैं वो लोग दमंग पार्टी के आदमी हैं, ज़्यादा दमंग लोग हैं वो। ये पार्टी कमजोर है, ये 2 बापूत हैं, इस वजह से उन्होंने मार तोड़ भी करी, इनका हाथ भी तोड़ दिया। पुलिस ने कितनी मदद आपकी करी अब? पुलिस ने आज तक कोई मदद नहीं कर पाए वो, और पुलिस ये बहाना लेती रही कि हम इलेक्शन तौर में लगे हुए हैं। कितनी एज होगी लड़की की? लड़की की एज जो है 16 वर्ष है। वैसे किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है? वैसे उन्होंने 363 में एक गाँव